हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावर फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, मतलब जैसा सिस्टम की स्टेट है सेम स्टेट रहेगी विद टाइम, इट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इट मीन्स द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। लेट मी टेक अ पिविट प्लैंक सिस्टम। यहाँ पर मेरे पास एक वुडन प्लैंक है और एक पिविट है। आई एम कीपिंग दिस वुडन प्लैंक ऑन दिस पिविट। आई हैव हंग वेट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ दिस प्लैंक। यहाँ पर जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इट विल बी इक्वल टू एम वन जी। और यहाँ पर जो वेट है अगेन इट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट विल बी इक्वल टू एम टू टाइम्स जी। ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये प्लैंक पे नीचे की तरफ लग रही हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए कौन सी फोर्स है? द पिविट इज अप्लाइंग अ नॉर्मल रिएक्शन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ इफ द सिस्टम इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब ये जो प्लैंक है ये ना नीचे की तरफ मूव कर रहा है और ना ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। दिस मीन्स आर इज बैलेंसिंग बोथ द वेट्स। आर इज इक्वल टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू। दिस इज द कंडीशन फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। लेट्स टेक अप वन मोर केस। यहाँ पे मैंने तीन वेट्स लटकाए हैं, वन इज डब्ल्यू वन, अदर वन इज डब्ल्यू टू एंड द नेक्स्ट वन इज डब्ल्यू थ्री। इनको बैलेंस कर रही है नॉर्मल रिएक्शन जो ये पिविट्स जो है प्लैंक पे अप्लाई कर रहे हैं इन द अपवर्ड डायरेक्शन। लेट दिस बी आर वन एंड लेट दिस बी आर टू। सो इफ द प्लैंक इज नीदर मूविंग अपवर्ड नॉर डाउनवर्ड, इन दैट केस वी कैन राइट आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री। दिस इज द कंडीशन फॉर ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में द नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम इज जीरो। जो सिस्टम के ऊपर नेट टॉर्क जीरो होती है इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। लेट अस अगेन टेक दिस प्लैंक पिविट सिस्टम। यहाँ पर मैंने दो मासेस हैंग किए हैं एम वन एंड एम टू जिनका वेट है डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू। सो दिस डब्ल्यू वन इज अ फोर्स विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। लेट अस सपोज ये जो हमने मास एम वन हैंग किया है इट इज एट अ डिस्टेंस डी वन फ्रॉम द पिविट। इसी तरीके से मास एम टू इज एट अ डिस्टेंस ऑफ डी टू फ्रॉम द पिविट। तो W1 जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है इसकी वजह से कितनी टॉर्क क्रिएट होगी? टाउ वन विल बी W1 D1। और W2 एक ऐसी फोर्स है जो नीचे की तरफ लग रही है, अगेन इट विल क्रिएट एन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क विच इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्टेंस, दैट इज W2 इनटू D2। नाउ इफ आई वांट माय सिस्टम टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम then in that case clockwise torque should be equal to anti-clockwise torque, or I can write W1 into D1 is equal to W2 into D2. यहाँ पर W1, W2 weights हैं which are acting like force. इसको हम एक example से समझ सकते हैं। हमारे पास ये एक plank pivot system है और हमें given है कि system rotational equilibrium में है। हमें बताना है what is the value of F, या फिर हमसे ये भी पूछा जा सकता है इसका mass निकालना है हमें। दिस इज द कंडीशन फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब हम W2 निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला W1 D1 अपॉन D2। सो W1 इज 120 न्यूटन इन टू डिस्टेंस इज 6 मीटर डिवाइडेड बाय 8 मीटर। सो ऑन सॉल्विंग दिस आई गेट द फोर्स ऑन दिस मास इज 90 न्यूटन। अगर हमसे इसका मास पूछा जाए वी नो W2 इज इक्वल टू एम टू इंटू जी। सो एम टू इज इक्वल टू डब्ल्यू टू अपॉन जी एंड डब्ल्यू टू इज 90 डिवाइडेड बाई लेट मी टेक जी एज 10 देन आई गेट 9 के जी। सो द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 9 के जी एंड द वेट इज 90 न्यूटन। सो आई होप दिस टॉपिक ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।